चलिए बच्चों, कुछ सवाल करते हैं। एक सवाल है, फॉर ए कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टेड रेजिस्टेंस इज 2000 ओम। बेटा कलेक्टेड रेजिस्टेंस मतलब जहां पर आप सिग्नल को कलेक्ट कर रहे हो, कलेक्ट कहां कर रहे हो, आउटपुट पे। तो ये एक तरह से आपका आउटपुट रेजिस्टेंस है, ये एक तरह से बड़ा आपका आउटपुट रेजिस्टेंस है, या फिर एक तरह से बड़ा दूसरा शब्द अगर यूज करना चाहो तो ये आपका लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस आपका 2000 ओम है, ठीक है। इसी तरह से फिर से बोलता हूं, द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टेड रेजिस्टेंस 2000 ओम इज 2 वोल्ट। जो आपका कलेक्टेड है, मतलब आउटपुट जो है, आउटपुट पर रेजिस्टेंस ये है और आउटपुट का बड़ा वोल्टेज ये है, तो आप कह सकते हो कि आउटपुट वोल्टेज इज बेसिकली 2 वोल्ट्स। अच्छी बात है बेटा, आउटपुट वोल्टेज बोल दो, या फिर बेटा दिस इज ऑल्सो यूनिटर कॉमन एमिटर के अंदर बेटा दिस विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द आउटपुट, आउटपुट के अंदर बेटा इट विल बी ऑफकोर्स पोटेंशियल अक्रॉस कलेक्टर एमिटर जंक्शन, ठीक है बच्चों। इफ द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज 100, बेटा याद कीजिए कि इस केस के अंदर आउटपुट आपका कलेक्टर होता था और इनपुट आपका बेस करंट होता था। आउटपुट कलेक्टर करंट, इनपुट आपका बेस करंट, क्योंकि एमिटर तो आपका कॉमन था, नाम ही कॉमन एमिटर है, और इसे आप ऐसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इसकी वैल्यू बेटा आपके मौजूद रखिए 100। तो आप इसे IC अपॉन IB लिखो या बेटा DIC अपॉन DIB लिखो, एक ही बात, ठीक है। बीटा की वैल्यू मेरे पास 100 दे रखी है, अच्छी बात। फाइंड इनपुट सिग्नल वोल्टेज, हमारा जो इनपुट सिग्नल वोल्टेज है हमसे ये पूछा है। इनपुट सिग्नल वोल्टेज ऑल्सो मीन्स इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बेटा कौन, बेस एमिटर, हमारा जो बेस एमिटर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, ठीक है बेटा। बेस करंट पूछा है, और बेटा बेस करंट बेटा हाँ बेस करंट पूछा है मुझसे, और मुझे देखा है कि जो बेस रेजिस्टेंस है, जो इनपुट रेजिस्टेंस है, ये बेटा बेस रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस अक्रॉस बेस एमिटर, वो मुझे दे रखा है 1000। आई एम सीरियसली होपिंग कि बेटा ये सारे के सारी चीज़ें आपको याद है, नहीं याद है तो मैं एक बार आपको वापस से डायग्राम के थ्रू बता सकता हूँ, ठीक है। हालांकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा डायग्राम बनाने, बट चलिए बेटा सुन लीजिए। ये बड़ा आपका कॉमन एमिटर है, ये आपका बेस, ये आपका एमिटर, ये आपका कलेक्टर। यहां से जो करंट आएगा बड़ा इट विल बी आईसी, यहां से जो करंट आएगा बच्चों दिस विल बी आईबी, एंड यहां से जो करंट आएगा इट विल बी आईई। ये आपका बेस है, ये आपका एमिटर है, ये आपका कलेक्टर है, ठीक है बच्चों। यहां से यहां तक बड़ा तुमने कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंसेस लगा रखे हैं। बेस एमिटर का बड़ा हमेशा फॉरवर्ड बायस रखते हैं, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव पोटेंशियल बड़ा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव पोटेंशियल। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे VEE वगैरह लिखा करते थे, ठीक है। बेस एमिटर, इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है बड़ा, इसको तुम इनपुट रेजिस्टेंस बोल दो या रेजिस्टेंस ऑफ बेस एमिटर बोल दो, एक ही बात है। ये जो बेस रेजिस्टेंस है ये मुझे 1000 ओम दे रखा है, अच्छी बात है बच्चे, 1000 ओम दे रखा तो, ठीक है। और क्या कहते रखा है, यहाँ बेटा आपने कोई लोड रेजिस्टेंस वगैरह लगा रखा है। लोड रेजिस्टेंस या बेटा जहाँ पर आप कलेक्ट कर रहे हो वहाँ की बात करें तो मुझे ये दे रखा है कि इट इज 2000 ओम्स, अच्छी बात है बेटा। और यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा मुझे ये दे रखा है कितना, 2 वोल्ट्स बेटा, ऑफकोर्स 2 वोल्ट्स। ये बेटा आपका VCC, मुझे ऐसा लगता है बेटा अब तो आपको सारी बातें याद आ गई होंगी, मैंने एग्जैक्टली सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे लिख रखी है, आराम आराम से करते हैं। सबसे पहले बड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो बेस एमिटर है, बड़ा बेस एमिटर है, इसका रेजिस्टेंस मुझे 1000 ओम गिवन है, ठीक है। यहां बड़ा मुझे दे रखा है कि 2000 ओम पोटेंशियल रेजिस्टेंस है और 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कलेक्टर करंट निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कलेक्टर करंट विल बी ऑफ कोर्स यहाँ पर जो वोल्टेज है दैट इज 2 वोल्ट्स डिवाइड बाय यहाँ पर रेजिस्टेंस दैट इज 2000 ओम्स। आई थिंक बेटा इट कम्स आउट टू बी 1 मिली एम्पियर, बेटा ये आ गया आपका 1 मिली एम्पियर।
ये तो कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट तो मुझसे पूछा ही नहीं है, मुझसे तो बेस करंट पूछा है। आप बोलोगे कि सर इनपुट करंट और आउटपुट करंट इन दोनों को रिलेट करने के लिए मेरे पास एक फैक्टर है, दैट इज करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, और सवाल के अंदर हमें करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर 100 दे रखा है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि आई सी अपॉन आई बी इज इक्वल्स टू 100। मेरे पास बड़ा आई सी की वैल्यू आ गई है 100 टाइम्स आई बी, अरे मुझे तो आई बी निकालना है, आई बी की वैल्यू आ गई है आई सी अपॉन 100। बड़ा आई सी कितना आया था, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर अपॉन 100। बड़ा मेरे ख्याल से तो 10 माइक्रो एम्पियर आ गया होगा, हमारा बेस करंट आ गया 10 माइक्रो एम्पियर। मुझसे पूछा कि इनपुट सिग्नल वोल्टेज क्या होगा। बड़ा इनपुट सिग्नल वोल्टेज क्या होगा, इनपुट का अगर वोल्टेज निकालना है तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं, बड़ा देखना, इनपुट का अगर वोल्टेज निकालना हो तो ऑफकोर्स इनपुट का करंट, इनपुट का करंट इज आई बी, इनपुट का रेजिस्टेंस, बड़ा इनपुट का रेजिस्टेंस सवाल के अंदर मुझे दे रखा है 1000 ओम्स, इनपुट का और रेजिस्टेंस, बड़ा करना मल्टीप्लाई, 10 माइक्रो एम्पियर, तो 10 × 10⁻⁶ एम्पियर मल्टीप्लाई बाई इनपुट का रेजिस्टेंस दैट इज 1000 ओम, एम्पियर इंटू ओम विल बी ऑफकोर्स वोल्ट्स, बड़ा 3 0 ये 4 ये दैट इज 10⁻²⁺ वोल्ट्स या फिर 0.01 वोल्ट्स, ये आपका इनपुट का वोल्टेज है। इनपुट का वोल्टेज ये है, आउटपुट का बड़ा वोल्टेज ये है। बड़ा हम इससे है ना एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ वोल्टेज वगैरह वो भी सारे के सारे काम कर सकते हैं, बाकी सारे काम भी कर सकते हैं, पावर कितने टाइम्स हो जाएगा वगैरह वगैरह, इस तरह के सवाल भी हम कर सकते हैं, लेकिन पूछा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो ही बातें पूछी है कि इनपुट का करंट कितना होगा और इनपुट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। बाकी बातें भी अगर पूछ रखी होती हम बड़े आराम से जवाब दे सकते थे, फेयर इनफ। चलिए बच्चों एक बहुत ही आसान सा सवाल करते हैं, हालांकि ये सवाल मैं ना कराता तब भी काम चल जाता क्योंकि बच्चे खुद लॉजिक से भी इस बात को सोच सकते थे, बट मैं हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को एक बार ना कैटर करना चाह रहा था, इस कारण से मैंने वाला सवाल लिया है ना, लॉजिक से भी आप इस बड़ा आंसर को निकाल सकते थे। सवाल इस तरह से, 2 एम्पलीफायर्स आर कनेक्टेड टू 1 आफ्टर द अदर इन सीरीज। बड़ा 2 एम्पलीफायर सीरीज में लगा रखे हैं, मतलब पहला वाला जो एम्पलीफायर होगा वो करंट को एम्पलीफाई करेगा, जो रिजल्टेंट करंट आएगा उसको हम दूसरे एम्पलीफायर में डाल देंगे, वो उसको और एम्पलीफाई करेगा। ऐसा हम अक्सर तब करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा एम्पलीफिकेशन चाहिए हो, जिसमें बहुत ज़्यादा एम्पलीफिकेशन चाहिए हो, इसे हम बोलते हैं कैस्केडिंग। बड़े से बोलेंगे कैस्केडिंग, ये 2 एम्पलीफायर 3 एम्पलीफायर इस तरह से अगर हम सीरीज में लगाते हैं, बड़ा इट इज़ नोन एज कैस्केडिंग। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हम बहुत ज़्यादा आउटपुट करंट चाहते हैं, हम बहुत ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज चाहते हैं, हम बहुत ज़्यादा आउटपुट पावर चाहते हैं, और वो एक इकलौता एम्पलीफायर नहीं कर पा रहा था, तो पहले एम्पलीफायर ने करंट को एम्पलीफाई किया, वो जो करंट था वो ऑफकोर्स अगले वाले एम्पलीफायर के इनपुट में डाल दिया, उसने उसको और एम्पलीफाई कर दिया। यही हाल बड़ा ऑफकोर्स वोल्टेज का और यही हाल आपके पावर का है। द फर्स्ट एम्पलीफायर हैज़ ए वोल्टेज गेन 20 एंड द सेकेंड हैज़ वोल्टेज गेन 10। कोई बात नहीं बेटा, इफ द इनपुट सिग्नल इज 0.01 वोल्ट्स फाइंड द आउटपुट एसी वोल्टेज सिग्नल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सा काम है। आपका जो इनपुट है पहला वाला दैट इज 0.01 वोल्ट्स, इसको हमने एम्पलीफायर 1 से गुजारा। अगर मैंने इसको एम्पलीफायर 1 से गुजारा तो ऑफकोर्स एम्पलीफिकेशन दे रखा है 20, तो जो भी आपका वोल्टेज था वो 20 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 0.01 × 20। अब क्या होगा कि ये जो वोल्टेज है ये अगले वाले एम्पलीफायर का इनपुट है, और जो नेक्स्ट एम्पलीफायर होगा वो इसका और एम्पलीफिकेशन कर देगा। दिस इज योर एम्पलीफायर 2, ये इसका और एम्पलीफिकेशन कर देगा, और इस बार कितने टाइम्स कर देगा, 10 टाइम्स कर देगा, तो इट विल बिकम 0.01 × 20 × 10। बड़ा 0 0 बड़ा इन से निकल गया, इट कम्स आउट टू बी 2 वोल्ट्स, इट कम्स आउट टू बी 2 वोल्ट्स। ऐसे में एक बात और बोल सकता हूँ कि पहले वाले का एम्पलीफिकेशन 20 था, दूसरे वाले का एम्पलीफिकेशन 10 है, तो कुल मिलाकर आपका जो एम्पलीफिकेशन है वो 20 × 10 हो गया। तो आप सीधा का सीधा इस तरह से एम्पलीफिकेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप ऐसा कह भी सकते हो कि अगर मान लो कल को इस तरह से 2 या 3 या 4 या 5 एम्पलीफायर इस तरह से अगर सीरीज में लगे होंगे, तो जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीफिकेशन होगा
बेटा दैट विल बी पहले वाले का एम्पलीफिकेशन मल्टीप्लाइड बाई दूसरे का, मल्टीप्लाइड बाई तीसरे का, मल्टीप्लाइड बाई चौथे का, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, बाकी ना भी याद करो तो आप जानते हो इस बात को कि ये बहुत ही एक ऑब्वियस सी बात थी, है ना। अगर हम इस बात को ना बताते तब भी तुम इसको बड़े आराम से सोच सकते थे, बट स्टिल है ना हमें हल्का फुल्का हर तरह का सवाल तो देखना ही चाहिए। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों एक सवाल और करते हैं। लिखिए बेटा, ड्रॉ डायग्राम ऑफ NPN कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। बेटा हम लोगों ने क्लास के अंदर जो बनाया था वो तो PNP बनाया था, अगर हम NPN बनाएंगे तो कैसा होगा, चलिए देखते हैं। हो सकता है बेटा करंट की डायरेक्शंस वगैरह चेंज हो जाए, कोई फर्क पड़े, लेट्स सी। क्योंकि PNP के अंदर जो हमारे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, और ऑफ कोर्स NPN के अंदर आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले कॉमन एमिटर बनाते हैं बेटा। सबसे पहले ये रहा आपका बेस, ये रहा आपका एमिटर, NPN है। एरो आप जानते हो बेटा P से N आता है, तो एरो आप ऐसे दिखाना, ठीक है। ये आपका आ गया एमिटर और ये आ गया आपका N, ये कलेक्टर, ये तो ट्रांजिस्टर हो गया। बेस में से बेटा कोई ना कोई करंट आएगा। सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, बेस एमिटर को हमेशा फॉरवर्ड बायस रखोगे, क्या रखोगे, फॉरवर्ड बायस। तो ये तो NPN है, तो P को हमेशा किससे जोड़ना है, हायर पोटेंशियल से। तो बेटा इस बार P को जोड़ना है हायर पोटेंशियल से, ऐसे। ये जो हमने एक्सटर्नल वोल्टेज लगा रखा है इसको बेटा तुम बड़े आराम से VEE लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। और यहां से बेटा कुछ ना कुछ ऑफकोर्स कोई ना कोई करंट वगैरह आता रहेगा, देख लेंगे। यहां से जो करंट आएगा इट विल बी लाइक दिस, दिस करंट विल बी IB बेटा, दिस करंट विल बी IB। इसी तरह से फिर से देखना बेटा, दिस इज NPN, ये N है, इसे हमेशा रिवर्स बायस्ड रखना है। रिवर्स बायस रखना है तो N को हम किससे जोड़ेंगे, हायर पोटेंशियल से। यहां पर हम जोड़ेंगे किसी न किसी हायर पोटेंशियल, जिससे ये आपका लोड रेजिस्टेंस और ये आपका हायर पोटेंशियल। बड़ा पोलरिटीज मैंने उल्टी कर दी, कारण तो समझ गए होंगे। हमने जो पहले डायग्राम बनाया था, जो हमने थ्योरी के अंदर डायग्राम बनाया था वो PNP था, ये क्या है NPN। तो N को जोड़ूंगा बड़ा मैं हायर पोटेंशियल से तभी तो ये रिवर्स बायस हो पाएगा, और इस P को मैं जोड़ूंगा हायर पोटेंशियल से तभी तो ये फॉरवर्ड बायस हो पाएगा। तो मैंने पोलरिटीज उल्टी कर दी, आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे। मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को, जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, बड़ा मैं इसको VCC लिख देता हूँ। ये आपका लोड रेजिस्टेंस, लेट्स सी आपका ये RL, ठीक है बच्चों। ये हायर पोटेंशियल इस तरह से बेटा करंट सप्लाई करने की कोशिश करेगा, इट विल बी IC। अब बेटा बिल्कुल मामला पलट गया, IC इधर से आ रहा है, IB इधर से आ रहा है, यहाँ से कुछ ना कुछ करंट भागेगा बेटा, दैट विल बी IE, एंड IE विल बी इक्वल टू IC प्लस IB। ये वाला हायर पोटेंशियल करंट देगा, ये वाला हायर पोटेंशियल करंट देगा, यहाँ से करंट आएंगे, यहाँ से IE, IE विल बी सिंपली IC प्लस IB। याद करो बेटा बिल्कुल उल्टा हो गया, हमारा जो NPN था उसमें IEU आया था, इधर से IB निकल गया, इधर से IC निकल गया था। तो आई रियली होप बेटा आपको सारा सारा फंडा समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। यहां से तक का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, इसको हम ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एमिटर बेस जंक्शन बोलते हैं। यहां से तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, उसको हम एक बार के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कलेक्टर एमिटर जंक्शन, ठीक है। चलिए बच्चों ये हमारा आंसर है, बढ़िया आंसर है, आई होप यू गेट द पॉइंट। बहुत ही बड़ा आसान सा सवाल था, ठीक है। अब मेरा एक सवाल तुमसे और है, एक बड़ा छोटा सा सवाल तुमसे और है। मैं कह रहा हूं कि ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ये वाला, लेट्स से बेटा दिस इज 10 वोल्ट्स, ये सवाल के अंदर गिवन है। कलेक्टर करंट जो है लेट्स से बेटा दिस 2 mA, और जो लोड रेजिस्टेंस है लेट्स से बेटा दिस इज 3000 ohms, लेट्स से इट इज लाइक दिस, लेट्स लाइक दिस।
ये सवाल का अगला पॉइंट है बेटा। पहला सवाल तो हो चुका है कि मैंने आपसे सिर्फ पूछा कि डायग्राम बनाओ एमपीएन का, बेटा बना दिया। सिर्फ और सिर्फ ये जो बैटरीज हैं उनकी पोलरिटी चेंज हुई है और जो करंट की डायरेक्शंस थी वो चेंज हुई है, बाकी हमारा पीएनपी और एमपीएन लगभग लगभग सेम सही है, बाकी सारा सारा काम बिल्कुल सेम टू सेम है। बेटा सवाल लिखे, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। बट इस कलेक्टर और एमिटर के बीच में यहां से तक का कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो निकालना है, निकालेंगे। देखो मैं बहुत क्लियर कर दूं इस बात को कि कलेक्टर से लेकर एमिटर तक का कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका हमारे पास कोई ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन हम हल्का फुल्का बना सकते हैं, अगर हम बनाना चाहें बेटा बना सकते हैं। सर कैसे बनाओगे? काश बेटा मुझे यहां से तक का रेजिस्टेंस पता होता, वो भी नहीं पता। अगर रेजिस्टेंस पता होता तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस इनटू बेटा कुछ कुछ कलेक्टर करंट वगैरह करते तो कोशिश करते बन जाता कुछ ना कुछ, लेकिन यहां से तक हमारे पास रेजिस्टेंस वगैरह भी नहीं पता, तो कैसे कर सकते हैं? एक काम करो, इस लूप को कंसिडर करो, यहां से चलते 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 इस पूरे लूप को कंसिडर करो, और ये जो पूरा का पूरा लूप है इस पूरे के पूरे लूप के अंदर केवीएल लगाओ। बेटा इस पूरे पूरे लूप के अंदर केवीएल लगाओ। केवीएल लगाओगे तो तुम जानते हो कि यहां से तक पोटेंशियल डिफरेंस लिख लूंगा, यहां से तक पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख लूंगा, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस अननोन है, दिस प्लस दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू जीरो आंसर आना चाहिए। तुम आपको एक काम करता हूं, अलग डायग्राम से दिखा देता हूं। ये बेटा मेरे पास अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वीसीसी, दिस इज 10 वोल्ट। यहां से बेटा आपका लोड रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 3000 ओम्स है, इसमें से कुछ ना कुछ करंट जा रहा है आईसी, और इस लूप के अंदर बेटा आपके पास यहां से तक कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस है जो मुझे पता नहीं कितना है, मुझे निकालना है, मैंने उसको वी सी ई लिख दिया है। चलिए लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ केवीएल लगाना है, दिमाग में बेटा कोई खास कचरा इकट्ठा करना ही नहीं। चलिए यहां से यहां जाऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? वी सी सी। चलिए बच्चों यहां से यहां गया तो बेटा रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाता तो पोटेंशियल घटता है, कितना घटता है? माइनस आई सी इंटू आर एल। बेटा ये सी है, ये एल है, ठीक है, चलते जाए यहां से यहां तक। बेटा यहां से तक पोटेंशियल डिफरेंस, चलो बेटा मैं यहां पर हायर पोटेंशियल मान लेता हूं, यहां पर लोअर पोटेंशियल मान लेता हूं, यहां से तक कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लेट्स से दैट इज माइनस वी सी ई, और जहां से चले थे बेटा वहीं पहुंच गए, एंड दैट कम्स आउट टू बी जीरो। यहां से मेरे पास वी सी ई की वैल्यू बड़े आराम से आ गई है वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर एल। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, वी सी सी बेटा आपका 10 वोल्ट माइनस आई सी, आई सी बेटा आपका करंट था 2 mA, तो 2 × 10⁻³ - 3 A, लोड रेजिस्टेंस मेरे पास है 3000 ओम। बेटा ऑफ कोर्स 3000 बेटा 1000 से कैंसिल, दैट कम्स आउट टू बी बेटा कितना आ गया? 4 वोल्ट्स। ये आंसर आ गया। तो जो सिंपल हमारा केसीएल केवीएल का जो लॉजिक है उससे हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस आपका 4 वोल्ट आएगा। सर आपको पता कैसे चला कि ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे और ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे? बेटा पता वता कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसे मान लिया। अगर मैंने उल्टा मान लिया होता तो आपका आंसर नेगेटिव आ जाता, तो आप कहते कि हाँ भाई उसको उल्टा कर लो वापस से, तो आंसर आपका एग्जैक्टली वही आएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह कोई सवाल आए तो भी हमसे बड़े आराम से बनना चाहिए, केसीएल केवीएल वगैरह जहाँ कहीं लग जाए तो वो लॉजिक्स में हमारी काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों एक और सवाल करते हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है बड़ा आपके पास। सवाल लिखिएगा, वी हैव एक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर हैज इनपुट रेजिस्टेंस 500 ओम एंड लोड रेजिस्टेंस 6000 ओम्स। ठीक है बच्चों, इफ बेस करंट
चेंजेस बाय 15 माइक्रो एम्पियर कॉमा ऑफ कोर्स बेटा कलेक्टर करंट चेंज होगा, कलेक्टर करंट चेंजेस बाय 2 मिली एम्पियर बेटा, चेंजेस बाय 2 मिली एम्पियर, फेयर इनफ। फाइंड करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फाइंड वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर एंड फाइंड पावर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। बड़ा सिंपल बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही पूछ रखा है, कोई बहुत भारी काम नहीं पूछ रखा। मेरे ख्याल से आपसे मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत तो होगी, ऐसे ही कर लेंगे अपन तो। ऑफ कोर्स बेटा कॉमन एमिटर के अंदर इनपुट आपका बेस करंट है और आउटपुट आपका कलेक्टर करंट है। बेस करंट को चेंज करोगे तो आपका कलेक्टर करंट चेंज होगा और इन दोनों का जो रेशियो है वही आपका एक तरह से एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। यहां पर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज ऑफ कोर्स कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। अगर अल्टरनेटिंग सोर्सेज हैं तो हम हल्का सा चेंज करते हैं, चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट। बेस करंट हमने चेंज किया है कितना बेटा, 15 माइक्रो एम्पियर, तो 15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 एम्पियर। तो कलेक्टर करंट चेंज हुआ है कितना, हाँ 2 मिली एम्पियर, दैट इज 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 एम्पियर। बेटा एम्पियर से एम्पियर कैंसिल होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। बेटा ये 10 रेज टू पावर 3 तो चला गया ऊपर, बेटा 20 बाई 15 इज आई थिंक 4 बाई 3 इंटू 100, तो 1400 बाई 3, ये बड़ा आपका बीटा आ गया। सर मुझसे वोल्टेज गेन भी पूछ रखा है, वैसे तो बड़ा ठीक है, हम जानते हैं कि वोल्टेज गेन को या फिर बड़ा वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन को हम ऐसे लिखते हैं, चेंज इन वोल्टेज आउटपुट अपॉन चेंज इन वोल्टेज इनपुट। लेकिन इसका फॉर्मूला हमने डायरेक्ट याद कर रखा है, आई होप बड़ा आपको भी याद होगा, दैट इज बीटा टाइम्स लोड का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट, या फिर बेटा रेजिस्टेंस ऑफ आउटपुट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट, एक ही बात है। दैट कम्स आउट टू बी 400 बाई 3, तो बेटा आपका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई लोड का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई इनपुट का रेजिस्टेंस, तो दैट कम्स आउट टू बी 6000 अपॉन 500। ठीक है, अच्छा ये बड़ा 1600 आ गया। ऑफ कोर्स यूनिट लेस तो है, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो है वो आपके पास 1600 आ गया। मगर आपसे पूछो कि इस केस के अंदर पावर का एम्प्लीफिकेशन क्या होगा, तो ऑफ कोर्स दैट इज पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। हम फॉर्मूला निकाल चुके बेटा, बार बार क्या निकालूं, इट इज ऑफ कोर्स बीटा स्क्वायर टाइम्स लोड का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनपुट का रेजिस्टेंस। मैं इसे ये भी लिख सकता हूं बीटा टाइम्स एवी, जो आपका वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर था उसको बड़ा बीटा से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो बड़ा बीटा स्क्वायर बन जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इट इज बेसिकली 400 बाय 3 इंटू 1600, तो दैट कम्स आउट टू बी 64000 अपॉन 3। ये बड़ा का आंसर है, जो पावर आउटपुट है वो पावर इनपुट के मुकाबले इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। और ऑफ कोर्स यही तुम्हारे एम्पलीफायर का काम है कि पावर इनपुट के मुकाबले पावर आउटपुट को बहुत ही ज्यादा रखे, ज्यादा बनाए। फिर ना आगे चलते, चलिए बच्चों नेक्स्ट इज एनालॉग सिग्नल। हालांकि बेटा हम एनालॉग सिग्नल पढ़ते तो नहीं है, लेकिन हमें कम से कम इसकी डेफिनेशन का आइडिया होना चाहिए। एनालॉग सिग्नल एक ऐसा टाइम वेरिंग वोल्टेज या करंट है जो लगातार समय के साथ वेरी कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स जो टाइम वेरिंग वोल्टेज या करंट है इसके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है, तभी तो हमने इसके साथ क्या शब्द यूज किया, सिग्नल। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि एनालॉग सिग्नल इज ए टाइम वेरिंग कंटिन्यूअस वोल्टेज और करंट
विच हैव सम इंफॉर्मेशन, बेटा इसके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, जैसे भी इंफॉर्मेशन है, ये आपका एनालॉग सिग्नल है। जैसे एग्जांपल के लिए कहूं तो बेटा मान लीजिए कि आपके पास कोई टाइम वेरिंग वोल्टेज है, इट इज समथिंग लाइक लेट्स से दिस, ये अपने आप में आपका एक एनालॉग सिग्नल है। इसी तरह से बेटा मान लीजिए कि आपके पास कोई ना कोई करंट है और लेट्स से बेटा टाइम के साथ ये इस तरह से वेरी कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक एनालॉग सिग्नल है। ये बड़ा सारे सारे आपके एनालॉग सिग्नल्स है। टाइम वेरिंग वोल्टेज या करंट जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन हो, दैट इज नोन एज योर एनालॉग सिग्नल। पुराने टाइम में 50 ईयर बैक, 60 ईयर बैक, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनालॉग सिग्नल से ही ट्रांसमिट की जाती थी। आजकल हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो एनालॉग सिग्नल को रेस्पॉन्ड ना करके डिजिटल सिग्नल को रेस्पॉन्ड करते हैं। हेडिंग लिखिए बच्चों, नेक्स्ट इज डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल जो है ये आपके पास एक ऐसा सिग्नल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही लेवल हैं, हाई और लो। हाई के लिए हम एक नंबर डेजिग्नेट कर देते हैं 1, और लो के लिए हम एक नंबर डेजिग्नेट कर देते हैं 0। इसमें टाइम वेरिंग ऐसे रैपिडली बेटा हर वैल्यू ऑफ वोल्टेज और हर वैल्यू ऑफ करंट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट होंगी। तो इस डिजिटल सिग्नल के अंदर देयर विल बी टू लेवल्स ऑफ वोल्टेज और करंट इन विच देयर विल बी हायर लेवल, जो हायर वैल्यू होगी वोल्टेज की उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेटा हम एक नंबर डेजिग्नेट कर रहे हैं 1, और एक लोअर वैल्यू होगी वोल्टेज या करंट की उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक नंबर डेजिग्नेट कर रहे हैं 0। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो की फॉर्म में जाएगी, या फिर 1 0 1 0 1 0 की फॉर्म में जाएगी। जैसे बड़ा मान लीजिए कि कोई वोल्टेज है और वो टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है, लेट्स से वोल्टेज इज वेरिंग लाइक दिस, कि पहले वोल्टेज +5 वोल्ट था, बाद में वोल्टेज 0 हो गया, फिर बाद में आपका वोल्टेज बड़ा फिर से +5 था, फिर 0 हो गया, फिर आपका वोल्टेज बड़ा +5 था, फिर 0 हो गया। दीज आर ओनली टू लेवल्स। अब मेरे लिए तो +5 है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि पहले हाई था फिर लो है, फिर हाई है फिर लो है, फिर हाई है फिर लो है, ऐसे। जो हाई होगा उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हाई होगा बड़ा उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो लो होगा उसे हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हाई होगा बड़ा उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर जो लो होगा उसे बड़ा हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर जो हाई होगा उसे हम ऐसे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। हाई कितना है वो वैल्यू हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि हम हाई को 1 से और लो को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह का टाइम वेरिंग वोल्टेज, ये भी टाइप तरह से टाइम वेरिंग वोल्टेज ही है, बट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाई और लो, इस तरह के सिर्फ और सिर्फ द ओनली टू लेवल्स विल बी देयर। कोई भी सिग्नल अगर इस तरीके से 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 इनकी फॉर्म अगर कोई इंफॉर्मेशन जा रही है तो हम कहते हैं कि ये हमारे एक तरह से डिजिटल सिग्नल्स हैं। फेयर इनफ। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज लॉजिक गेट्स। बेटा नाम से आइडिया लग गया होगा, लॉजिक गेट्स। गेट मतलब बेटा ये एक इनपुट को और आउटपुट को रिलेट करते हैं, एक इनपुट को और आउटपुट को रिलेट करते हैं थ्रू सम लॉजिक। बेटा कोई ना कोई लॉजिक होगा जिसके थ्रू ये इनपुट और आउटपुट के बीच को रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाएगा। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट को किसी लॉजिकल तरीके से रिलेट कर पाए, दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज नोन एज अवर लॉजिक गेट। तो बेटा एक छोटी सी बात अगर लिखना चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो, इट इज लाइक दिस, कि इट इज एन सॉरी बेटा इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक मतलब बेटा समथिंग रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर्स। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच फॉलोज
लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट एंड आउटपुट बेटा वोल्टेजेस भी कह सकते हो और इनपुट एंड आउटपुट तुम डिजिटल सिग्नल भी कह सकते हो. इनपुट एंड आउटपुट मैं डिजिटल सिग्नल्स बोल देता हूं. डिजिटल सिग्नल्स, इनपुट डिजिटल सिग्नल और आउटपुट डिजिटल सिग्नल के बीच में एक लॉजिकल रिलेशनशिप. अब वो लॉजिकल रिलेशनशिप अलग अलग गेट की अलग अलग हो सकती है. हमारे पास बड़ा कुछ नंबर ऑफ गेट्स हैं जिसके थ्रू हम इनके बीच में रिलेशनशिप देख पाएंगे, है ना. कोई इतना बड़ा बड़ा काम नहीं, आराम से हो जाएगा. ठीक है बच्चों, ये जो लॉजिकल रिलेशनशिप होगी ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्रिएट कर पाएगा और वो जो डिवाइस क्रिएट कर पाएगा उसे हम लॉजिक गेट कहेंगे. ठीक है बेटा, तीन हमारे पास बेसिक गेट्स हैं जो हमें एग्जैक्टली पता होने चाहिए. बेटा तीन गेट्स बेसिक हैं जो हमें पता होना चाहिए. दैट इज, पहला है बेटा आपका नॉट गेट. क्या नाम है, क्या अर्थ है बेटा, धीरे धीरे देख लेंगे. दूसरा है आपका एंड गेट. तीसरा है बेटा आपका और गेट. बाकी जितने भी गेट होंगे वो इन तीन के परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब इन तीनों के मिक्सचर से बन जाएंगे. कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर. जितने भी गेट्स होंगे बेटा उनके अंदर इनपुट जो होंगे वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी गेट होंगे बेटा उनके आउटपुट सिर्फ और सिर्फ एक होगा. इनपुट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, आउटपुट सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा. ठीक है, इनके इनपुट्स और आउटपुट को रिलेट करते हुए, अलग अलग लॉजिक गेट्स के इनपुट्स और आउटपुट्स को रिलेट करते हुए अगर मैं कोई चार्ट बनाऊं, अगर मैं कोई टेबल बनाऊं, दैट टेबल, दैट चार्ट इज नोन एज ट्रुथ टेबल. बेटा दैट इज नोन एज ट्रुथ टेबल. एक छोटी सी डेफिनेशन है, ज्यादा बोर नहीं करेंगे बेटा, लिखिए. नेक्स्ट इज ट्रुथ टेबल इज ए टेबल और चार्ट which shows all possible input combinations and corresponding output results of different logic gates. अलग अलग logic gates के input और output के बीच में कैसे कैसे relations हो सकते हैं, उन relations को दिखाने वाले जो chart है, जो table है बड़ा, उसका नाम हमारा truth table है. हम बनाएंगे भी अलग अलग. ठीक है, आगे चलिए बच्चों. चलिए बच्चों, सबसे पहला गेट देखते हैं, दैट इज नॉट गेट, एनओटी गेट, ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर गेट. बेटा इसका नाम हम इन्वर्टर गेट इसलिए निकालते हैं बिकॉज ये सारे के सारे रिजल्ट को उल्टा कर देता है, सारे रिजल्ट को उल्टा कर देगा. तो बेटा सुनिएगा इस बारे में, नॉट गेट में सिर्फ और सिर्फ बेटा वन इनपुट होगा और ऑफ कोर्स बड़ा आउटपुट तो हमेशा ही वन होता है, वन आउटपुट होगा, एक इनपुट और सिर्फ एक ही आउटपुट. इसको सर्किट में दिखाने का जो तरीका है, जो रिप्रेजेंटेशन है, इट इज समथिंग लाइक दिस. ऐसे बड़ा एक ट्राइंगल बनाइए और यहां पर ऐसे एक डॉट लगा दीजिए. ठीक है बच्चों, ये ए आपका इनपुट है, ये बी आपका आउटपुट है. हम ऐसा कहते हैं कि इस इनपुट ने, इस ये हमारा नॉट गेट है, ये हमारा नॉट गेट, ये जो नॉट गेट है ये रिजल्ट देगा बी इज इक्वल्स टू ए बार. बेटा क्या बोलेंगे इसको, ए बार. ये बार का मतलब उल्टा कर रहा है, उल्टा कर रहा है. उल्टा कैसे कर रहा है, सुनना इस बात को, उल्टा कर रहे हैं इस बात को बेटा सुनेगा. उल्टा ऐसे कर रहा है कि
अगर ए पर इनपुट अगर हाई वोल्टेज हुआ तो जो आपका आउटपुट आएगा वो लो वोल्टेज आएगा, और अगर आपका इनपुट लो वोल्टेज हुआ तो आपका जो आउटपुट आएगा इस गेट के थ्रू वो हमेशा आपका हाई वोल्टेज आएगा। मैं इस बात को अपने जरा मैं बेटा इसको एक बार हमारे डिजिटल वाले तरीके से कहूँ, डिजिटल सिग्नल के थ्रू कहूँ, तो अगर आपका इनपुट हाई वोल्टेज है मतलब वन है, तो आउटपुट आपका लो वोल्टेज है मतलब जीरो है, मतलब जीरो है। अगर आपका इनपुट लो वोल्टेज है मतलब जीरो है, तो आउटपुट आपका बेटा वन है। आप इस बी को ये भी कह सकते हो कि इट इज बेसिकली ए बार, ए बार मतलब बेटा ए का जस्ट उल्टा, ए का जस्ट उल्टा। तो ये हमेशा बेटा रिजल्ट को उल्टा कर देगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज कर देगा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज कर देगा, वन को जीरो कर देगा, जीरो को वन कर देगा। इनपुट वन होगा तो आउटपुट जीरो होगा, इनपुट जीरो होगा तो आउटपुट वन होगा, ऐसे उल्टा कर देगा। कौन कर देगा ऐसा उल्टा? नॉट गेट कर देगा। आई होप बेटा ये वाली बात याद रहेगी। इसको मैं एक तरीके से और समझा सकता हूं। अगर मैं कहूं कि इनपुट वोल्टेज इस तरह से, इनपुट इस तरह से जीरो से लेकर 10 सेकेंड तक लेट से बड़ा हाई वोल्टेज था, फिर 10 से लेकर 5 से 15 सेकेंड तक लो वोल्टेज था, उसके बाद 10 सेकेंड से लेकर 25 सेकेंड तक हाई वोल्टेज था, और 25 से लेकर 35 सेकेंड तक लो वोल्टेज था। ये इनपुट है, तो ऑफ कोर्स बेटा हम इसको वन कंसीडर करते हैं, इसको जीरो कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा, आउटपुट जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो हमारा नॉट गेट है वो आउटपुट जस्ट उल्टा कर देगा। वो क्या करेगा, जीरो से लेकर 10 सेकंड्स तक वोल्टेज हाई था तो वो लो कर देगा, तो जीरो से लेकर 10 सेकंड्स तक वोल्टेज हो जाएगा कम। अच्छी बात। 10 सेकंड से लेकर 15 सेकंड तक इनपुट में लो वोल्टेज है तो आउटपुट में हाई वोल्टेज जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से लेकर 25 सेकंड तक इनपुट वोल्टेज हाई है तो आउटपुट वोल्टेज लो जाएगा। 25 से लेकर 30 सेकंड तक इनपुट वोल्टेज लो है तो आउटपुट वोल्टेज हाई हो जाएगा। ये लीजिए मैडम, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। हाई लो में कितना लो वोल्टेज हाई है, कितना हाई वोल्टेज है, उस वैल्यू से में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लो वोल्टेज को हमेशा जीरो कंसीडर करते हैं और हाई को हमेशा वन कंसीडर करते हैं। और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, पता नहीं क्या सर्किट है, हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ने सिर्फ क्या किया, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कर दिया और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कर दिया, एंड दैट्स इट। होगा बेटा कोई बड़ा एक खतरनाक सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें ट्रांजिस्टर वगैरह लगे होंगे, हमें उसकी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इस बात जानने की जरूरत है कि आपका इनपुट अगर लो वोल्टेज है तो आउटपुट हाई वोल्टेज है, इनपुट लो वोल्टेज तो आउटपुट हाई वोल्टेज, इनपुट हाई वोल्टेज तो आउटपुट लो वोल्टेज, एंड दैट्स इट। इनपुट जीरो तो आउटपुट वन, इनपुट वन तो आउटपुट जीरो, दैट्स इट। आई होप बेटा इस बात को तुम समझ गए होंगे। मैं इस बात को एक तरीके से याद करवा सकता हूं कि किस तरह से नॉट गेट है ना, वो याद करने का तरीका बता रहा हूं, सुनना बेटा। मान लीजिए कि आपके पास ये एक बैटरी है और हमारे पास ये एक बल्ब है, ये सिर्फ और सिर्फ याद करने का तरीका बेटा। और ये आपके पास कोयले के स्विच, ठीक है बच्चों। ये जो स्विच है इसको एक बार के लिए तुम इनपुट मान लो, और जो बल्ब है इसको तुम एक बार के लिए आउटपुट मान लो, ठीक है। इस स्विच का ऑन होना, ऑन होना को मान लो तुम वन, और ऑफ होने को तुम मान लो एक बार के लिए जीरो। स्विच अगर ऑन हो गया तो वन मानेंगे, ऑफ हो गया तो उसे हम जीरो मान रहे हैं। इसी तरह से अगर बल्ब अगर जल गया, ग्लो कर गया, तो उसे हम वन मान लेंगे, और अगर बल्ब आपका ग्लो नहीं किया, डार्क रहा, तो मैं उसको जीरो मान लूंगा। अब सुनना, स्विच आपका इनपुट है और बल्ब आपका आउटपुट है, ठीक है। अब देखिएगा,
इनपुट, इनपुट आपका स्विच है जिसको मैंने वर्ग लिया ए बोल दिया। अगर आपका स्विच ऑन रहा, अगर आपका स्विच ऑन रहा तो जैसे इस बैटरी से करंट आएगा, अब करंट के पास दो रास्ते हैं, बल्ब से गुजरे या जीरो रेजिस्टेंस से गुजरे। तो बच्चे बोलेंगे सर ऑब्वियस बात है कि सारा का सारा करंट तो जीरो रेजिस्टेंस से गुजर जाएगा, और अगर जीरो रेजिस्टेंस से गुजर जाएगा तो बल्ब में से कितना करंट गुजरेगा, जीरो, और अगर बल्ब में से जीरो करंट गुजरेगा तो बल्ब तो ग्लो नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ ये आपका बल्ब ये आपका स्विच। मेरे कहने का मतलब यह कि अगर स्विच ऑन है मतलब वन है तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब आपका डार्क रहेगा मतलब जीरो। अब उल्टा करो, स्विच को ऑफ कर दो, ऐसे लो जैसे स्विच को ऑफ कर दिया मतलब जीरो हो गया, इनपुट आपका जीरो हो गया। तो जैसे आपने स्विच को ऑफ कर दिया अब करंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, कौन सा, बल्ब के थ्रू गुजरने वाला, बल्ब ग्लो कर जाएगा। जैसे बल्ब ग्लो कर जाएगा बड़ा बल्ब ने रिजल्ट दे दिया है वन। स्विच ऑन तो ये ऑफ, ये ऑफ तो ये ऑन, तो इनपुट और आउटपुट जस्ट एक दूसरे के उल्टे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपका जो नॉट गेट है वो दिखने में ऐसा होता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से याद कराने का तरीका है। हालांकि मुझे लगता है कि इतना मुश्किल भी नहीं था कि याद कराने के लिए इतने सारे जुगाड़ बताने पड़े, बट फिर भी एक फील दिलाने के लिए तो कम से कम ऐसा था। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो नॉट गेट हमेशा क्या करेगा, जस्ट उल्टा कर देगा, जस्ट उल्टा कर देगा। आगे चलिए बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट इज और गेट। हेडिंग लिखिए बेटा, नेक्स्ट इज और गेट। और गेट अपने आप में आपके पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें आपके पास दो इनपुट होंगे, आउटपुट तो बेटा हमेशा सिर्फ एक ही होगा, एक इनपुट होगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इसमें खास बात, अच्छा बेटा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये इसका साइन है, ये बड़ा इसका साइन है, दिस इज ए, दिस इज बी, दीज टू आर इनपुट्स, ये वाई है, वाई इज योर ऑफ कोर्स आउटपुट, बड़ा जो वाई है वो आपका आउटपुट है, फेयर एनफ। दो इनपुट और एक आउटपुट, ये किस तरह से इनपुट और आउटपुट को रिलेट करती है इस बार मेरे बात सुनना, कि इनपुट में से अगर एक भी जना हाई वोल्टेज पे हुआ तो आपका आउटपुट हाई वोल्टेज होगा, दोनों के दोनों अगर लो पोटेंशियल पे हुए तो आपका वाई लो पोटेंशियल पे होगा, इन दोनों में से एक भी अगर हाई पोटेंशियल पे हुआ तो आपका जो आउटपुट है वो हाई पोटेंशियल पे होगा। तो इस बात को लिखिए बेटा, इफ एनी ऑफ द इनपुट is at high potential, comma, output will be high potential. अगर दोनों इनपुट में से अगर एक भी हाई पोटेंशियल पे हुआ तो आपका आउटपुट हाई पोटेंशियल होगा। ये हाई पोटेंशियल हुआ तब भी ये हाई पोटेंशियल होगा, ये हाई पोटेंशियल होगा तब भी ये हाई पोटेंशियल होगा, ये दोनों हाई पोटेंशियल हुए तब भी ये हाई पोटेंशियल होगा, और अगर ये दोनों लो पोटेंशियल पे हो तब जाके ये लो पोटेंशियल होगा। हाई लो, हाई लो को बड़ा हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, 1010 ऐसे कुछ डिवाइड करते हैं, तो वो भी हम करके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा बड़ा वाई को है ना लिखने में हम ऐसे लिखते हैं ए और बी, बड़ा और को बड़ा हम यहाँ पर कैसे दिखता दिखाते हैं, प्लस से दिखाते हैं, तो क्या लिखते हैं ए और बी, बड़ा क्या लिखोगे ए और बी को ए प्लस बी लिखोगे, ठीक है। इस बात को याद करने का भी एक तरीका है, बड़ा याद करने का भी एक तरीका है, जैसे ये बड़ा आपके पास बैटरी और ये आपके पास दो स्विचेस, लेट से एक ए है ये आपके पास बी है और ये आपके पास बड़ा एक बल्ब है, मैं इस बल्ब को बड़ा वाई बोल रहा हूं, जो बल्ब है बेटा मैं इसको वाई बोल रहा हूं, ये मेरे पास ए स्विच है ये बी स्विच है, स्विच अगर ऑन हुआ तो वन, स्विच अगर ऑफ हुआ
तो जीरो। बल्ब अगर ग्लो किया तो वन, और अगर बल्ब बड़ा ग्लो नहीं किया, डार्क रहा, तो ऑफ कोर्स जीरो। अब देखो बेटा, ये हमारा और गेट क्या करता है, इसके मैं एक ट्रुथ टेबल बनाता हूं। ट्रुथ टेबल में ए इनपुट है, बी इनपुट है, और ये वाई आउटपुट है, जिसको हम ए और बी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ए और बी। सुनो, ये लो पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो ऑफ कोर्स ये भी आपका लो पोटेंशियल। इस डायग्राम से अगर कहूं तो ये ऑफ, ये ऑफ, तो करंट तो जाएगा ही नहीं, तो ये भी ऑफ। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलो बेटा, इन ये अगर हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तब भी ये हाई पोटेंशियल। मतलब ये अगर वन, ये अगर जीरो, तो ये वन, ये हाई, ये लो, तो ये भी आपका हाई। इससे अगर देखो तो इसको ऑन कर दिया और इसको ऑफ कर दिया, तो करंट यूं चलते 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 बड़े आराम से पहुंच जाएगा और बल्ब कर जाएगा ग्लो। दोनों में से अगर एक भी ऑन हो गया तो बल्ब आपका ग्लो करेगा। दोनों में से एक भी अगर ऑन कर गया तो आपका बल्ब आपका ग्लो करेगा, जैसे चाहो वैसे समझ लो। बी अगर हायर पोटेंशियल पे हुआ और ए अगर लो पोटेंशियल पे हुआ, ए लो पोटेंशियल पे, बी हाई पोटेंशियल पे, तब भी आपका और गेट तो रिजल्ट क्या देगा? हाई पोटेंशियल देगा। मतलब ये ऑफ हुआ, ये ऑन हुआ, तो करंट यूं चला जाएगा, बल्ब तब का फिर से ग्लो कर जाएगा। अगर आपके ए और बी दोनों हाई पोटेंशियल पे हुए, तब भी बेटा आपका रिजल्टेंट क्या होगा? हाई पोटेंशियल। क्या होगा बेटा? हाई पोटेंशियल। ये भी बंद हुआ, ये बंद हुआ, करंट यूं आएगा दोनों रास्ते से चल के, बेटा ऑफकोर्स बल्ब तक करंट पहुंच जाएगा। दोनों में से एक ही अगर बटन ऑन हुआ तो आपका बल्ब आपका बड़े आराम से ग्लो करेगा। दोनों में से एक भी बटन अगर ग्लो हुआ तो बड़े आराम से आपका बल्ब ग्लो करेगा। आई एम रियली होपिंग कि बेटा तुम इस बात को समझ गए हो। चलिए बच्चों, इस बात को बेटा अगेन मैं, है ना, चाहूं तो बेटा वो ग्राफ से भी दिखा सकता हूं। दोनों में से एक भी इनपुट अगर हायर पोटेंशियल पे हुआ तो आपका आउटपुट हायर पोटेंशियल पे होगा। इस बात को मैं एक ग्राफ से भी दिखा सकता हूं। सुनिएगा बेटा, इस बार तीन ग्राफ बनाने पड़ेंगे क्योंकि इनपुट दो है। चलिए बच्चों, लेट से बेटा ये आपका ए है। ए बेटा पहले जीरो है, फिर वन है, फिर वापस जीरो है, फिर वापस से वन है। ये आपका ए है। बी की अगर बात करें तो बी पहले जीरो है, फिर वापस से जीरो है, फिर आपका वन है, और वन है मतलब हाई है, फिर वापस से हाई। ठीक है बच्चों, तो जब का ए और बी आएगा उसको तुम दिखाना चाहो ऐसे दिखा सकते हो। दोनों लो पर तो ऑफ कोर्स आपका जो रिजल्ट आउटपुट है वो भी लो पर। एक हाई एक लो तो रिजल्ट विल बी ऑफ कोर्स हाई। एक लो एक हाई, रिजल्ट विल बी ऑफ कोर्स हाई। दोनों हाई तो रिजल्ट भी हाई। बड़ा देख लो, जीरो वन वन वन, जीरो हाई हाई हाई, ये इसका एक तरह से डायग्राम हो गया। दोनों चीजें अच्छी हैं, दोनों बड़ा बढ़िया है। आगे चले, चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज एंड गेट। बड़ा अगला हमारा बेसिक गेट, दैट इज एंड गेट। तीनों बेसिक तो यही है, बाकी सब तो बड़ा इनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन होंगे, इनके कॉम्बिनेशन होंगे, उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब हो जाएंगे, वो तो सवाल की तरह है और कुछ नहीं। नेक्स्ट इज एंड गेट। एंड गेट में अगेन बड़ा देयर विल बी टू इनपुट्स एंड ऑफ कोर्स वन आउटपुट। लेकिन इस बार आउटपुट और इनपुट में ये रिलेशन है कि आउटपुट जो होगा वो हाई पोटेंशियल पर सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब दोनों इनपुट हाई पोटेंशियल पे होंगे।
दोनों में से एक से पार नहीं पड़ेगी, दोनों के दोनों इनपुट अगर हाई पोटेंशियल पे होंगे तब जाके आपका आउटपुट जो होगा वो हाई पोटेंशियल पे होगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एंड गेट जो है, क्या बेटा, एंड गेट जो है वो एक्चुअली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो दोनों इनपुट अगर हायर पोटेंशियल पे होंगे सिर्फ और सिर्फ तब आपके आउटपुट को हाई पोटेंशियल पर रखेगा, अदरवाइज आउटपुट को हमेशा वो लो पोटेंशियल पर ही रखेगा। तो एक लाइन लिखिए बेटा, आउटपुट विल बी एट हाई पोटेंशियल only if both of inputs are at high potential। हमारे दोनों इनपुट जो है वो हाई पोटेंशियल पे होंगे सिर्फ और सिर्फ तभी जाकर बेटा आपके आउटपुट जो होगा वो हाई पोटेंशियल होगा, अदरवाइज लो पोटेंशियल पे होगा। ठीक है बच्चों, जो एंड गेट है उसको बेटा हम ऐसे दिखाएंगे सर्किट में, अगर दिखाना हूं इट विल लुक लाइक दिस। दिस इज इनपुट ए, दिस इज इनपुट बी, बोथ ऑफ देम आर इनपुट्स, दिस इज योर आउटपुट बेटा, दिस इज योर आउटपुट। इसको हम ऐसे बोलते हैं ए एंड बी बेटा, ए एंड बी ऐसे लिखते हैं। कई बार बेटा कई बुक्स में बीच में डॉट भी लगा रखा होता है, मर्जी बेटा आपकी, ए डॉट भी लिख सकते हो, ए डॉट भी मतलब ए एंड बी, ए एंड बी, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट। बीच में प्लस लगा दोगे तो प्लस लगा दोगे, इसलिए ए और बी जो है उसको तुमने और गेट से गुजारा है, बीच में डॉट का लगा दोगे तो ऑफकोर्स बेटा आपने इसको एंड गेट से गुजारा है। कई बुक्स में बेटा डॉट भी नहीं लगा रहता, सिर्फ ऐसे ए भी लिखा रहता, उससे भी तुम समझ जाएगा, पक्की बात है कि ए और बी को हमने एंड गेट से गुजारा है। ठीक है, क्या रिजल्ट है इसका आएंगे बेटा, लेकिन इसका एक सर्किट इक्विवेलेंट और देख सकते हो। सर्किट इक्विवेलेंट बेटा ऐसे, एक स्विच एस, दूसरा स्विच ये, और ये हमारा बेटा बल्ब है। ये जो बल्ब है ये तो आपका आउटपुट है, वाई है। ये पहला जो स्विच है मैं इसको ए बोल रहा हूं, दूसरा जो स्विच है मैं बेटा इसको बी बोल रहा हूं। स्विच का ऑन होना मतलब वन, ऑफ होना मतलब जीरो, बल्ब का जलना वन, बल्ब का बेटा ना जलना जीरो। ठीक है, अब देखना बेटा क्या कहते हैं, मैं इसके ट्रुथ टेबल बना रहा हूं। ट्रुथ टेबल में दो इनपुट हैं ए और बी, और एक आउटपुट है ए एंड बी। इसको ए डॉट भी नहीं बोलना बेटा, क्या बोलना है, ए एंड बी बोलना है। ठीक, चलो बच्चा, ये भी लो पोटेंशियल पे, ये भी लो पोटेंशियल पे, तो रिजल्टेंट भी लो पोटेंशियल पे। ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, तब भी आपका आउटपुट लो पोटेंशियल पे। इस बार ये लो पोटेंशियल पे, ये हाई पोटेंशियल पे, तब भी आपका रिजल्ट लो पोटेंशियल पे। हाँ, दोनों हाई पोटेंशियल पे होंगे तब जाके आपका रिजल्टेंट हाई पोटेंशियल पे होगा, यही तो लिखाया था, दोनों हाई पे होंगे तब जाके रिजल्टेंट आपका हाई पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका बेटा इस सर्किट से क्या लेना देना है, ये ऑफ ये ऑन, सॉरी दोनों ऑफ, तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, जीरो जीरो गिव्स जीरो। ये आपका ऑन है, ये आपका ऑफ है, तब भी बेटा बल्ब तक करंट नहीं पहुंचेगा, तो ये वन ये जीरो, तो ये भी जीरो। अगले में ये ऑफ ये ऑन, अरे ये ऑफ हो गया तो करंट बेटा वापस से बल्ब तक नहीं पहुंचेगा, तो ये जीरो ये वन, तो ये भी आपका जीरो। हाँ, दोनों स्विच ऑन हो गए तब बल्ब के पास करंट पहुंच जाएगा और हम बोलेंगे वन एंड वन इज गिविंग वन। मैं ये नहीं कह रहा कि है ना एंड गेट का एक्चुअल सर्किट डायग्राम ये होता है, ये तो सिर्फ वजह याद करने का एक तरीका है बेटा, सिर्फ वजह याद करने का एक नोटेशन टाइप है, उससे तो कुछ नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि वैसे भी आपको याद हो गया, बस सिर्फ और सिर्फ एक तरह से बताने का तरीका है। आई होप बेटा इस बात को समझ गए। ये हमारा ट्रुथ टेबल है, और ये जो हम लिखते हैं ना बेटा वाई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी या वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, इनको हम बूलियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं बेटा, इनको हम बूलियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। जैसे ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखना, वाई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी लिखना, ए प्लस बी मतलब ए और बी, ए डॉट बी लिखना मतलब ए एंड बी, ये जो लिख रहे हैं इसको बेटा बूलियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं।
ठीक है, आगे चल। अगर बेटा हम एंड गेट का डायग्राम से अगर दिखाना चाहें तो भी दिखा सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए बेटा हमारे पास दो इनपुट हैं, ये रहा हमारा ए। मैं एक बार ट्रुथ टेबल बड़ा ऑफिस बना लूं, ये ए, ये बी, ये आपका ए एंड बी, ये जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो, ये वन, तब भी जीरो, ये वन, ये जीरो, तब भी जीरो, ये वन, ये वन, तो ये वन, ठीक है, ऐसे था। अगर मैं इसकी डायग्राम से दिखाना चाहूँ ना, डायग्राम से भी दिखा सकता हूँ, ये ए रहा, ये बी रहा, ये बड़ा ए और बी तो इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, वाई इज इक्वल्स टू ए एंड बी, ठीक है ना। ए डॉट भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ए एंड बी बोलते हैं। ए आपका बड़ा पहले जीरो है, फिर जीरो है, फिर वन है, फिर वन है, तो ए बड़ा पहले आपका जीरो है, फिर आपका ए जीरो है, फिर आपका ए जो है वो वन है, वन मतलब हाई वोल्टेज, फिर वापस से बड़ा आपका ए वन है मतलब हाई वोल्टेज, ठीक है। बी जो है पहले जीरो, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन, तो बी जो है पहले लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज और फिर हाई वोल्टेज। तो रिजल्ट कैसा रहा, रिजल्ट रहा जीरो 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 वन, मतलब पहले जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो और ये वन, वन मतलब हाई वोल्टेज होना ही था बेटा। लो वोल्टेज, लो वोल्टेज, लो वोल्टेज देगा, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज देगा, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, लो वोल्टेज देगा, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज देगा। ये हमारा एक तरह से बेटा इसका डायग्राम से अगर दिखाना चाहो, वेवफॉर्म टाइप से अगर दिखाना चाहो तो ये रिजल्ट है। इस पर भी जेई मेन ने बड़ा सवाल पूछ रखे हैं, है ना। ट्रुथ टेबल तो बच्चे बने देते हैं, ट्रुथ टेबल को कैसे डायग्राम में कन्वर्ट करना है, इस पर भी जेई मेन में सवाल आ रखा है, इसलिए जानबूझ के मैं हरेक का डायग्राम भी बना रहा हूं, ठीक है बच्चों। आगे चलिए बेटा, जो तीनों बेसिक थे वो हमारे हो गए, लेकिन बेटा हम इन तीन बेसिक से मिला मिलाकर हम एन नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स और बना सकते हैं, खूब सारे बना सकते हैं बेटा, खूब सारे बना सकते हैं, बहुत ही सारे बना सकते हैं, ठीक है, खूब सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के हम तरह तरह के और लॉजिक गेट भी बना सकते हैं। दो और लॉजिक गेट्स हैं जो हम इन तीनों से बनाते हैं और हमारे काम के हैं, पहले उनको देख लेते हैं, आगे चलिए बेटा। अगला है नॉर गेट, नाम से आइडिया लग गया होगा, और गेट और नॉट गेट, और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। कैसे, सबसे पहले अपना और गेट, दो इनपुट है, एक आउटपुट है, ये ए है, ये बी है, तो बेटा ये आप जानते हो ए और बी है, ए प्लस भी नहीं बोलते बेटा, क्या बोलते हैं, ए और। इसके आगे एक नॉट गेट लगा दो बेटा, ऐसे एक नॉट गेट, तो ये क्या कर देगा, जो भी आपका रिजल्ट है उसको उल्टा कर देगा। तो ये पहले वाला जो गेट है ये ऑफ कोर्स बेटा ए और बी का और करेगा, आगे वाला जो नॉट गेट है उसका उल्टा कर देगा। देख लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब कर लेंगे, बन सब आता है, बनवाओ। कोई हमें कहे कि इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ, बेटा बिल्कुल बनाएंगे, इसकी ट्रुथ टेबल बिल्कुल बनाएंगे, ये ए, ये बी, ये ए और बी, और आखिर में जो रिजल्ट है वो ए और बी नहीं बेटा, ए और बी का बार है, मतलब ए और बी का उल्टा है। ये जीरो, ये जीरो, तो ऑफ कोर्स ये भी जीरो। अब ये जो नॉट गेट है ये जीरो का वन कर देगा, तो इसे वन लिख दो, इसे वन लिख दो, आगे चलो। ये जीरो, ये वन, तो ये तो वन भाई, और गेट में दोनों में से एक का भी अगर हाई पोटेंशियल हुआ तो रिजल्ट आपका हाई पोटेंशियल, तो ये वन, ये वन अगर इनपुट है तो ये बेटा नॉट गेट तो उसका उल्टा कर देगा, इट विल बी जीरो। आगे चल बेटा, ये वन, ये जीरो, दोनों में से एक भी हाई पोटेंशियल पे है तो बेटा ये आपका हाई पोटेंशियल पे वन, ये नॉट गेट उसका उल्टा कर देगा जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल बेटा, ये हाई पोटेंशियल,
ये हाई पोटेंशियल तो ये भी हाई पोटेंशियल, लेकिन ये नॉट गेट इसका उल्टा कर देगा जीरो। ये आपके नॉट गेट का रिजल्ट है। नॉट गेट आपके, सॉरी बेटा नॉट गेट नहीं बेटा, हाँ नॉर गेट, नॉर गेट का रिजल्ट है। नॉर गेट किस किस से बना है? नॉट गेट से और गेट से मिलाकर बना है। लेकिन हमारी बुक्स हो, चाहे एचसीवी हो, चाहे बेटा जेई मेन हो, सब में ही नॉर गेट जो है उसका एक अलग से साइन भी बना रखा होता है ऐसे। अब अगली बार ऐसे दिख जाए तो समझ जाना ये आपका नॉर गेट है। बेटा समझ जाओगे ना, ये आपका नॉर गेट है। मैंने आगे डॉट से लगा दी बेटा। डॉट लगाने का मतलब ये और गेट नहीं है, डॉट लगाने का मतलब ये नॉर गेट है। जो भी हमारा नॉट गेट था उसके सारे, हमारा जो और गेट था उसके सारे के सारे रिजल्ट्स को उल्टा कर दिया गया है। क्योंकि हमारा जो और गेट था ना उसमें तो बेटा रिजल्ट क्या आया था, उसमें रिजल्ट आया था 0111। इस नॉट गेट ने क्या कर दिया, 1000 ऐसे एग्जैक्टली उल्टा कर दिया। सो दिस इज अवर नॉर गेट। I really hope बेटा इसको तुम बड़े आराम से मैनेज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई बच्चा कहते हैं कि सर इसके भी क्या हम डायग्राम वगैरह से दिखा सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल दिखा सकते हैं। अब मुझे लगता है कि वैसे तुम लॉजिक समझ गए हो तो डायग्राम तुम खुद भी बना सकते हो, लेकिन चलो बच्चा मैं भी बना देता हूँ। ये आपका ए, ये आपका बी, और ये आपका ए और बी का बार। ये ए, ये बी। ए क्या है? 0011। 0011 ओ सॉरी, वन तो यहां थोड़ी होता है, वन तो यहां होता है, 1 1। ठीक है बच्चों, बी क्या है? 0101। तो हमारा ए और बी का बार ही क्या है? 100। तो आप कह सकते हो कि इट विल बी हाई पोटेंशियल, देन लो, देन लो, देन लो। लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल मिलकर कर रहे हैं हाई, लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल मिलकर कर रहे हैं लो, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल मिलकर कर रहे हैं लो, और बेटा हाई पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल मिलकर भी कर रहे हैं लो। सिर्फ और सिर्फ हाई पोटेंशियल एक ही केस में है बेटा, कौन से में? लो और लो मिलकर कर रहे हैं हाई, बस जीरो और जीरो मिलकर बन कर रहे हैं। जस्ट हमारा जो और गेट था उसका उल्टा कर दिया। याद थोड़ी करना बेटा, इस डायग्राम को थोड़ी याद करना है, ये याद करना है। और इसके याद करने के पीछे का लॉजिक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में बड़े आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए बच्चा आगे पढ़ते हैं। एंड गेट का बिल्कुल उल्टा, एंड गेट के उल्टे को बेटा हम नाम निकाल देंगे नैंड गेट। बेटा क्या नाम निकाल देंगे? नैंड गेट, जिसमें हम एंड गेट और नॉर गेट मिलाकर काम चलाएंगे। सो बेटा नैंड गेट एंड नॉट गेट आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। नैंड गेट, इट इज सिंपली एंड गेट प्लस नॉट गेट। सबसे पहले बेटा आपका एंड गेट, एंड गेट में दो इनपुट एक आउटपुट, ये ए ये बी, ये ऑफकोर्स ए एंड बी। बेटा इसको ए डॉट बी ना बल्कि बोल दो ए एंड बी। और ये जो इनपुट, ये जो आउटपुट आया है, मैंने इसको लगा दिया नॉट गेट पे। तो ये नॉट गेट क्या करेगा? आप बोले नॉट गेट तो इसका उल्टा कर देगा, तो रिजल्टेंट आएगा हमारे ए एंड बी का उल्टा या ए एंड बी का बार। चलिए बच्चों इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ये ए ये बी, ये आपका ए एंड बी, और ये आपका रिजल्ट ए एंड बी का उल्टा ए एंड बी का बार। ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये जीरो ये वन तो ये भी जीरो, ये वन ये जीरो तो ये भी जीरो, ये वन ये वन तो ये वन। ये तुम्हें याद ही था,
कि हमारा जो एंड गेट है उसमें रिजल्टेंट हायर पोटेंशियल पर सिर्फ तब होगा जब दोनों हायर पोटेंशियल पे होंगे, अदरवाइज हमेशा लो पोटेंशियल। लेकिन जो आपने नॉट गेट लगा रखा है ये क्या करता है, नॉट गेट क्या करेगा, रिजल्ट को उल्टा कर देगा। यहां पर जीरो डालोगे वन निकालेगा, जीरो डालोगे वन निकालेगा, जीरो डालोगे वन निकालेगा, वन डालोगे जीरो निकालेगा। ये है हमारे नैंड गेट का ट्रुथ टेबल। बेटा नैंड गेट का ट्रुथ टेबल कोई कहते सर डायग्राम से समझा सकते हो, हाँ बेटा बिल्कुल बता सकता हूं। डायग्राम में अगर मुझे दिखाना होगा इट विल लुक लाइक दिस। ये आपका इनपुट ए, ये आपका इनपुट बी, और ये आपका आउटपुट ए एंड बी का बार। ठीक है, ए है 0011, जीरो जीरो वन वन, ठीक है ना। बी क्या है 0101, बी है 0101, रिजल्ट क्या है 1110। याद हो जाए तो बड़ा अच्छी बात है, ना याद हो तो आप तो लॉजिक से देख रहे हो हर चीज, आपको बड़ा कहां फर्क पड़ता है। ठीक है, कोई हल्का फुल्का सवाल आया तो उसको मैनेज करने के लिए तुम लॉजिक से भी कम बात बना लोगे तो तुम्हें दिक्कत वैसे भी नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन नैंड गेट जब भी बेटा आपके पास सवाल में बना हुआ आएगा तो ऐसे अलग अलग से एंड गेट और नॉट गेट नहीं बने होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे सिंपल सा दिखा दिया जाएगा आपको यूं। लो यहां पर एक बेटा ऐसे पॉइंट लगा था, ये हो गया आपका नैंड गेट। बड़ा ये हो गया आपका नैंड गेट, दिस इज ए बी, ये है ए एंड बी का बार। आई होप बड़ा रिजल्ट नहीं याद रखने की जरूरत पड़ेगी, आप खुद बड़े आराम से इस तरह से सोच लोगे। फिर ना आगे चलते हैं। चलिए बच्चों एक दो सवाल करते हैं इस बात पे कि जिसमें हम ये ट्रुथ टेबल वगैरह बनाना सीख सकें। इस पर अगेन जेई मेन ने सवाल पूछे बहुतों बार, और वैसे सही कहूँ तो ये टॉपिक इतना आसान है कि बच्चों से ना सेमीकंडक्टर में सिर्फ यही वाला सवाल सही होता था, हालांकि मैंने कोशिश की कि इससे पहले वाले सवाल भी आपसे सही हो। चलिए किस तरह के बेटा जेई मेन में सवाल पूछते हैं, मैं वैसे आपसे तीन सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही आसान आसान से, और वो तुम खुद भी अपने लॉजिक से सोच सकते हो। सुनिएगा, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि दो इनपुट हैं, लेट से ए एंड बी, ये आपके पास एक और गेट है, ये जो ए की एंट्री है ये बड़ा यहां ए का जो इनपुट है वो यहां से आया और आगे जाकर एक एंड गेट और बन गया बेटा, ये ए एंड गेट और बन गया। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है लेट से वाई, ये आपका और गेट, ये बड़ा आपका एंड। सवाल बहुत ही सिंपल सा है, मैंने साइड में लिखा है राइट ट्रुथ टेबल ऑफ दिस अरेंजमेंट। ये जो और गेट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन दे रखा है इसका आपको एक बार ट्रुथ टेबल बनानी है। ठीक है, बना देंगे, बड़े आराम से बना देंगे। सुनिए बच्चों, ये ए है ये बी है, ये और गेट क्या करेगा, ए और बी कर देगा। बड़ा प्लस बोलने का मतलब ए और बी, कहने का मतलब इन दोनों में से एक भी हाई पोटेंशियल पे हुआ तो रिजल्ट आपका यहां पर हाई पोटेंशियल होगा। ठीक, करता हूं बच्चों। फिर ये एंड गेट में एंट्रीज कौन कौन है, एंड गेट में दो इनपुट हैं, ए है और ए और बी है, ये क्या करेगा, ये उन दोनों का एंड कर देगा, ये उन दोनों का एंड कर देगा, किन किन का, ए का और ए और बी का एंड कर देगा। एंड मतलब एंड गेट क्या करता है, दोनों हाई पोटेंशियल पे होंगे सिर्फ तभी रिजल्टेंट हाई पोटेंशियल पे होगा, दोनों में से एक भी लो पोटेंशियल पे होगा तो रिजल्टेंट आपका लो पोटेंशियल पे होगा, ऐसे बोलता है ना। ठीक है, मुझसे बड़ा पूरे के पूरे वो रिजल्टेंट है ना वो पूछा गया है, बड़े आराम से बताएंगे अपन, तो कोई दिक्कत नहीं अपन को। ये ए ये बी, पहले ए और बी निपटाते हैं। ए और बी क्या कहता है, ए और बी ये कहता है
कि दोनों जीरो होंगे तब तो ये जीरो होता है, दोनों में से एक भी वन हो गया तो ये वन हो जाता है। याद है ना बेटा, मैंने आपको सिखा रखा है, दोनों में से एक भी अगर हाई पोटेंशियल पे तो ये आपका हाई पोटेंशियल, क्योंकि बीच में आपका और गेट है, ठीक है। लेकिन रिजल्टेंट ये थोड़ी बेटा, रिजल्टेंट फाइनल रिजल्टेंट तो ये है, वाई तो वो है जिसमें आपने ए एंड ए और बी कर रखा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखना बेटा। एंड कर रखा है किस किस का, इसका और इसका। एंड गेट में दो एंट्रीज हैं, दिस एंड दिस। एंड गेट क्या कहते हैं कि दोनों के दोनों हाई पोटेंशियल पे होंगे तब रिजल्टेंट हाई पोटेंशियल पे होगा, दोनों इनपुट अगर वन होंगे तभी आपका आउटपुट वन होगा, अदरवाइज हमेशा जीरो होगा। जीरो जीरो जीरो, वन वन, दोनों हाई पोटेंशियल पे तो ये वन, जीरो वन जीरो, वन वन, दोनों हाई पोटेंशियल पे होंगे तभी आपका रिजल्टेंट हाई पोटेंशियल पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फेयर एनफ बेटा, समझ गए इस बात को, आसान सा पॉइंट था, कोई बहुत टफ पॉइंट नहीं था। हालांकि रिजल्ट ऐसा सही आएगा, बट एक सवाल और कर सकते हो, रिजल्ट मोर और लेस बेटा ऐसा सा ही आएगा, बट एक सवाल और कर सकते हो बच्चों, सुनिए बेटा। रिजल्ट इतना डिफरेंट नहीं है, बट एक और सवाल सुन सकते हो। ये आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट, ये एंड गेट, ये ए, ये बी, बी की एंट्री बेटा यहां से भी आई, और दोनों मिलकर और गेट पे गए, और ये आपका रिजल्ट है। आपको बेटा इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है, राइट ट्रुथ टेबल ऑफ दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट की ट्रुथ टेबल बनाओ, बना देंगे। मुझे तो कोई खास दिक्कत लग नहीं रही। ये ए है, ये बी है, ये ऑफ कोर्स ए एंड बी है। बेटा ए एंड बी का अर्थ बताना, दोनों हाई पोटेंशियल पे होंगे, सिर्फ तभी ये हाई पोटेंशियल पे होगा, अदरवाइज कभी नहीं होगा। ये बी बेटा यहां से भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये और है, ये और किस किस का करेगा, जो इनपुट्स होंगे उनका करेगा। इनपुट्स ये है, ए एंड बी का और विद बी, ये आपका रिजल्टेंट है। बना देंगे यार, बना देंगे, क्यों नहीं बना देंगे। ट्रूथ टेबल बनाइए, सबसे पहले आपका ए, फिर बी, फिर आपका ए एंड बी, जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो, वन वन वन। ये तो हमने याद ही कर रखा था यार, कि दोनों हाई पोटेंशियल पे होंगे तभी आपका एंड गेट रिजल्टेंट जो हाई पोटेंशियल पे देगा, ठीक है ना। दोनों हाई पोटेंशियल पे होंगे तभी जाके ये हाई पोटेंशियल, हमने याद कर रखा था। लेकिन अब हमारा जो रिजल्टेंट है वो कुछ और है, वो क्या कहता है कि ए एंड बी का और लेना है बी के साथ। तो अब इनपुट कौन कौन है इसके लिए, इनपुट है एक तो ए एंड बी, और दूसरा इनपुट है आपका बी, और करना क्या है इनका, और करना है। और क्या कहता है, और कहता है कि दोनों में से एक भी हाई पोटेंशियल पे हो गया ना, तो रिजल्टेंट हाई पोटेंशियल पे होगा, मतलब दोनों में से एक भी अगर वन हो गया तो रिजल्टेंट वन होगा। जीरो जीरो जीरो, वन एक भी है तो रिजल्टेंट वन, दोनों जीरो जीरो, दोनों में से एक भी वन। आई रियली होप बड़ाई वाला सवाल सब बच्चों ने कर ही लिया होगा, खुद ही कर लिया होगा, तो मेरे करने की क्या जरूरत है इसके अंदर, आएगा खुद ही कर लिया। आगे चलिए बच्चों, चलिए बच्चों लॉजिक गेट पे एक सवाल और कर लेते हैं। ऐसे सवाल बेटा जेई में पूछते रहते हैं, इसलिए करा रहा हूँ, बाकी बेटा मुझे ऐसा लगता है कि तुम इनके पीछे के लॉजिक्स को समझ गए हो, और उस तौर से जो तीन बेसिक या फिर बड़ा बाकी जो नोर गेट और नैंड गेट है उनके रिजल्ट्स याद रख लो, तो सारा तरह का सवाल तो कर ही सकते हो। तो सुनिए बच्चों, आपके पास दो इनपुट्स हैं, एक ए है एक बड़ा बी है, ये बड़ा आपका नॉट गेट, ये बी है। यहां से चलते चलते ये बड़ा आपके पास एक नैंड गेट आया बड़ा,
बेटा आपके पास एक नैंड गेट है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से ए की एंट्री एक जगह और है, यू किसी नॉट गेट पे, और बी की भी एंट्री बेटा ऐसे, फिर वापस से एग्जैक्टली वही कहानी, एक एंड गेट और, ठीक है बच्चों। ये आपका एंड गेट, ये भी आपका एंड गेट, और इन दोनों से जो रिजल्टेंट आया, इन दोनों से बेटा जो रिजल्टेंट आया, मैंने उसको किसी और गेट पे लगा दिया बेटा, ये आपका रिजल्टेंट है वाई, ठीक है। बढ़िया, सबका यूज कर लिया अपन ने, ठीक है, मेहनत मेरी तरफ से, ठीक है। अच्छा सवाल, ये कर लिया तो अपन ने सब कर लिया, सवाल बड़ा वही है, राइट ट्रूथ टेबल ऑफ दिस अरेंजमेंट, कर लेंगे बच्चों। ये ए आया, अच्छी बात है, ये बी आया बीच में नॉट गेट, ये बी बार कर देगा, बी का जस्ट उल्टा कर देगा, अच्छी बात है। यहां से ए आया, यहां से बी बार आया, तो मैं इसे बोल दूंगा ये एंड गेट है, ये ए एंड बी बार हो गया बेटा, क्या हो गया ए एंड बी बार। अक्सर बेटा बुक्स में डॉट लगा भी रखी होती है, नहीं भी लगा रखी होती, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है बेटा। यहां से ए आया नॉट गेट से, ये ए का उल्टा कर देगा ए बार, यहां से बी आया, ये एंड गेट क्या करेगा, ए बार का और बी का एंड कर देगा, मतलब ए बार एंड बी। अब देखो ये आपका और गेट है, कौन सा गेट है, और गेट, ये ऑफ कोर्स इसके लिए एक एंट्री, ये है एक एंट्री है, ये इन दोनों का और कर देगा, तो आप कह सकते हो वाई इज बेसिकली ए बी बार एंड, नहीं एंड और ए, ये आपका रिजल्टेंट है। ये जो इस तरह का एक्सप्रेशन है बेटा, इसे तो बूलियन एक्सप्रेशन कह सकते हो, लेकिन हमें तो बेटा ट्रुथ टेबल बनानी है, सिर्फ इतने से बात थोड़ी बनेगी, बना देंगे सब बना देंगे अपन, सब बना देंगे, पहले बनाएंगे हम ए, फिर बनाएंगे बी, फिर बनाएंगे ए बार, फिर बनाएंगे बी बार, मुझे चाहिए ए एंड बी बार चाहिए, और क्या चाहिए बेटा, ए बार एंड बी चाहिए, और लास्ट में ए एंड बी बार और ए बार एंड बी का और चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सब काम कर लेंगे अपन। अच्छा सवाल है, तो थोड़ा एफर्ट तो मारना ही पड़ता है यार, चलिए बेटा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये वन ये वन ये जीरो ये वन ये वन, ये बेटा चार तरह के एंट्रीज पॉसिबल है। एक ए जीरो है तो ए बार वन है, ए जीरो है तो ए बार वन है, ए वन है तो ए बार जीरो है, ए वन है तो ए बार जीरो है, बी जीरो है तो बी बार वन है, बी वन है तो बी बार जीरो है, बी जीरो है तो बी बार वन है, बी वन है तो बी बार जीरो है, बार तो बेटा उल्टा करता ना उसको, ए एंड बी बार, ये तो बड़ा डॉट तो किसके लगा रहता है, एंड डॉट लगा उन लगा, ए एंड बी बार, ए एंड बी बार, एंड बेटा पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं, एंड ये कहता है कि दोनों हाई पोटेंशियल पे होंगे तो रिजल्टेंट हाई पोटेंशियल पे होगा, दोनों वन पे होंगे तो रिजल्टेंट वन पे होगा, अदरवाइज जीरो होगा, ये जीरो ये वन तो जीरो, ये जीरो ये जीरो
तो जीरो, ये वन ये वन तो वन, ये वन ये जीरो तो जीरो, दोनों वन होंगे तभी रिजल्टेंट जीरो होगा। फेयर इनफ। ए बार और बी का एंड करना है, ए बार और बी का एंड करना है, एंड मतलब दोनों वन होंगे तभी रिजल्टेंट वन होगा। दोनों वन नहीं है, दोनों वन हैं, दोनों वन नहीं है, दोनों वन नहीं है। ठीक, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप। मुझे, अरे बेटा, ए एंड बी बार, ए बार एंड बी का और करना है। किन किन का, किन किन का, इसका और इसका, दोनों का मुझे, दोनों को मुझे क्या करना है, और करना है। और क्या कहता है कि दोनों में से एक भी वन हो गया तो रिजल्टेंट वन हो जाएगा। दोनों में से एक भी जना अगर हायर पोटेंशियल पे हो गया तो रिजल्टेंट हायर पोटेंशियल पे, लो पोटेंशियल लो पोटेंशियल लो, लो एंड हाई हाई, हाई एंड लो हाई, लो एंड लो जीरो। ये हमारा बड़ा बड़े आराम से आंसर है। और कोई कहते हैं कि सर वो जो हम ग्राफ बनाते थे ऐसे वेव फॉर्म वाला, स्टेप वाला, वो बना सकते हैं? बेटा बिल्कुल बना सकते हैं। जीरो को दिखा देना लो, वन को दिखा देना ऊपर। इस तरह के सवाल पूछ रखे जेई मेन ने, हम बड़े आराम से इस तरह के सवाल कर सकते हैं। एक बात और बोल दो बेटा, ये हम इस तरह के सवाल मैंने वैसे बता तो दिया, लेकिन इस तरह का सवाल बड़े आराम से आपके सामने आ भी सकता है। और इनमें याद करने वाली बातें सिर्फ और सिर्फ तीन बेसिक हैं, और बाकी बड़ा नॉर और नैंड है, बाकी सब काम चल जाएगा। ये जो हमने इतना बड़ा लॉजिक गेट बनाया है, इसको बड़ा तुम लोग एक पूरा अलग से नाम दे सकते हो, जोर गेट। बड़ा क्या नाम दे सकते हो बड़ा इसको तुम, जोर गेट। बड़ा टाइम हो गया बड़ा, दिस इज जोर गेट, बड़ा दिस इज जोर गेट। ये जो पूरा पूरा अरेंजमेंट है, ये इसका साइन है। जोर गेट हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में बेसिक पांच है, हाँ उनके पांचों का कॉम्बिनेशन ये एक जोर गेट है। अलग से जोर गेट के कोई रिजल्ट रिजल्ट याद रखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बच्चों, ये मेरी तरफ से सेमी कनेक्टर था। मैंने तरफ से बड़ा पूरी कोशिश की है कि ना सेमी कनेक्टर के अंदर आपको है ना मैं सारी की सारी बातें बता दूँ, फिर भी आप चाहो तो एक रीडिंग एनसीईआरटी की तो लगा सकते हो। ठीक है, आगे चलते।